महाराष्ट्र सरकार काफी वक्त से विवादों में घिरी है। कोई ना कोई नई मुसीबत उद्धव ठाकरे के गले पड़ ही जाती है और इस बार मामला सामने आया है यौन उत्पीड़न का। शिवसेना के सांसद राजेंद्र गवित पर आरोप लगा है कि उन्होंने उनकी एक कंपनी में काम करने वाली महिला के साथ दुर्व्यवहार किया है। क्या है पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। महाराष्ट्र सरकार हर तरफ से घिरती नजर आ रही है, फिर चाहे मामला छोटा हो या बड़ा, हर मामले में उद्धव सरकार की मौजूदगी होना तय है। हाल ही में एक यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया है। महाराष्ट्र के पालघर की एक महिला ने स्थानीय शिवसेना सांसद राजेंद्र गवित के खिलाफ यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। महिला ने इस संबंध में नया नगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। वहीं राजेंद्र गवित ने महिला के आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि ये उनका नाम बदनाम करने की साजिश है। शिवसेना के सांसद राजेंद्र गवित के खिलाफ महिला ने आईपीसी की धारा 354A और 556 के तहत मामला दर्ज कराया है। शिवसेना सांसद गवित पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगा है। नया नगर पुलिस थाने में दर्ज शिकायत के मुताबिक महिला साल 2004 से उनकी एक कंपनी में काम कर रही थी और राजेंद्र गवित तभी से उसे प्रलोभन देते और दबाव डालते थे, लेकिन वो मना करती रही। नवंबर 2020 में एक दिन राजेंद्र गवित ने किसी बात पर नाराज होकर सबके सामने उससे अभद्र व्यवहार किया। महिला की शिकायत पर नया नगर पुलिस ने 11 दिसंबर को सांसद राजेंद्र गवित के खिलाफ FIR दर्ज की है। राजेंद्र गवित पालघर लोकसभा सीट से शिवसेना के सांसद हैं। शिवसेना सांसद ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों से इनकार किया है। महिला के आरोपों पर गवित ने कहा, शिकायत में कोई सच्चाई नहीं है और ये उनकी छवि खराब करने का प्रयास है। महिला ने एजेंसी से पैसों का गबन किया था, जिसके बाद उसे नौकरी से निकाल दिया गया, जिस कारण अब वो बदला लेना चाहती है। इस मामले में अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच की जा रही है। मीरा रोड पर एक गैस एजेंसी में काम करने वाली इस महिला ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि एजेंसी के मालिक गवित ने उसके साथ गलत हरकत करने का प्रयास किया। मामले की जांच पुलिस कर रही है, पर महाराष्ट्र सरकार में ऐसे घिनौने काम हो रहे हैं जिनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। सुशांत केस से लेकर इस मामले तक कई बार महाराष्ट्र सरकार घिर चुकी है। कई बार घेरे में आने के बाद भी उद्धव सरकार अपनी हरकतों से बाज नहीं आना चाहती है। इस बार उद्धव ठाकरे का ये मामला कितनी दूर तक जाएगा ये जांच के बाद साफ हो जाएगा, क्योंकि सांसद गवित इन सारे आरोपों से मुंह मोड़ते नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि उन पर लगाए गए सारे आरोप बेबुनियाद हैं और उनमें कोई सच्चाई नहीं है। कैपिटल टीवी के साथ बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।